हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो आप देख पा रहे होंगे कि आज मैं आपके लिए दूध की रेसिपी लेके आई हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, अभी ठंडा का शुरुआत ही है और शुरुआती ठंडी में आप इस दूध को बना के अपने परिवार के हर एक मेंबर को यदि इस दूध को पिलाएंगे सुबह सुबह, तो कभी भी उनको पूरा ठंडा, ना सर्दी लगेगी, ना ही जुकाम, ना ही जोड़ों में दर्द। यदि पेट की कोई समस्या है तो उनमें भी राहत मिलेंगी। तो आप इसे बना के और ज़रूर इस जैसा कि मैं आपको बताऊंगी उस तरह से आप बना के रख लें और एक बार में एक महीने चलने तक का आप सामग्री बना के रख सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सा दूध बना के दिखाऊंगी। तो दूध बनाने के लिए ले ली हूँ कुछ सामग्री, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ पीनट, मूँगफली और ये है साबूदाना, और यहाँ पर ली हूँ मखाना और ये है ग्रेटेड नारियल। इसके साथ ही ली हूँ तिल, अलसी, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, अखरोट और बादाम। तो सफ़ेद तिल का इस्तेमाल इस दूध बनाने में आप ज़रूर कीजिएगा। ये ठंडा का समय में आपके बॉडी को गर्म रखेगा और इससे भरपूर कैल्शियम भी हमारे शरीर को मिलता है। तो आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐसा है जो कि अच्छे से जब आप इसका पाउडर बनाएं तो वो अच्छे से पिस जाए, ये ले सकते हैं। जैसे कि इसमें अभी आप काजू भी डाल सकते हैं, किशमिश वगैरह नहीं डालिएगा। तो इससे ही मैं आपको महीनों चलने वाले हेल्दी मिल्क पाउडर बना के दिखाऊंगी, जिसे आप बच्चे बड़े किन्हीं को भी दे सकते हैं। आपके घर में यदि बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें भी आप इस सेहतमंद दूध को बना के और पूरा ठंडा पिलाएं, बिल्कुल भी उन्हें कहीं भी दर्द, जोड़ों में दर्द या कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर सारे सामग्री को इस तरह से बिना तेल या घी का ही रोस्ट कर लेना है और मूंगफली से छिलका भी नहीं हटाना है, क्योंकि मूंगफली के छिलके में भी काफ़ी फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसे छिलका हटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी तरह से सारे सामग्री को एक एक करके रोस्ट कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो बेल प्रेस भी ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से अच्छे से मखाने को भून ली हूँ, मूँगफली को भून ली हूँ और इसके साथ ही इसमें डाल दी हूँ साबूदाना। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच साबूदाने का इस्तेमाल की हूँ। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो इसे बिना साबूदाने का भी बना सकते हैं। तो इसे भी अच्छे से भून ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो एक बार हमारे चैनल पर जाके हमारे पहले से अपलोडेड वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और आपको जो वीडियो पसंद आए, जो रेसिपी पसंद आए, उसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें ही डाल दी हूँ तिल, और तिल को भी चटकने तक रोस्ट कर ली हूँ। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो इसमें कड़वा टेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पर अखरोट और बादाम, तो ये दोनों हमारे दिमाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, जिससे कि अच्छा सा इसका पाउडर बन सके। और इसी गरम कढ़ाई में डाल दी हूँ कोकोनट का ग्रेटेड कोकोनट। मेरे पास इसका पाउडर नहीं था तो मैं सूखा हुआ नारियल को ही ग्रेट करके ली हूँ और इसे इसमें डाल दी हूँ। तो इसमें भरपूर मात्रा में आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जिससे कि दूध बहुत ज़्यादा सेहतमंद, फ़ायदेमंद बन जाए। तो अभी सभी को ठंडा करने के बाद इसे डाल दूँगी मिक्सर जार में। तो इसके साथ ही डाल दे रही हूँ 2 से 3 इलायची और काली मिर्च, और आप इसमें सौंठ पाउडर भी ज़रूर डालिएगा। यदि आपके पास है तो आप सौंठ पाउडर, जो कि सूखा हुआ अदरक होता है, उसे ही सौंठ बोलते हैं, तो उसे भी पाउडर है तो आप पाउडर डालिए, नहीं तो इसमें टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के डाल के इसके साथ ही आप उसे भी बारीक पीस लीजिए। तो यहाँ पर अच्छे से इसे बारीक पाउडर बना के तैयार कर ली हूँ।
और इससे ही मैं आपको दूध बना के दिखाऊंगी। तो आप इस पाउडर को इस तरीके से अच्छे से बना के आप महीना भर रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। तो आप इस तरह से इसे बना लेंगे, एक बार बना लिया और जब चाहें आप दूध बनाना तो आप दूध बना के और झटपट से तैयार कर सकते हैं। इसमें आपका टाइम का बचत होगा। जब आपके पास टाइम है आप इस पाउडर को बना के रख लें और झटपट से दूध तैयार कर लें। तो कुछ इस प्रकार का हमारा पाउडर बना है। तो चलिए अब दूध बना के दिखाती हूँ। तो दूध आपको जितना बनाना है तो उस अनुसार से आप बनाइएगा। तो इसमें डालने के लिए दूध में थोड़ा सा ऊपर से डालने के लिए डाल दी हूँ मखाना, तो उसमें थोड़ा सा घी का इस्तेमाल की हूँ और घी में इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। और इसे निकाल ले रही हूँ दूसरे बर्तन में, ये रोस्ट हो चुका है, ऐसे भी ये दूध में ही जाएगा। तो अब डाल ले रही हूँ दूध, तो यहाँ पर 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा दूध ले सकते हैं। दूध में उबाल आ चुका है, अब इसमें डाल दी हूँ हल्दी। तो 2 कप दूध के अनुसार ही मैं इसमें 2 चुटकी के करीब हल्दी डाली हूँ। आप ज़्यादा दूध बना रहे हैं तो उस अनुसार से आप 1 छोटे चम्मच हल्दी का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और दूध के साथ हल्दी को अच्छे से पकने दीजिए। तो यहाँ पर दूध हमारे हल्दी के साथ पक के तैयार है। अब इसमें डाल दूँगी ये प्रोटीन पाउडर। तो यहाँ पर 2 कप दूध में 2 चम्मच इस्तेमाल की हूँ प्रोटीन पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स करके और इसे पकने दूँगी। 2 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा, बस 2 मिनट में ही ये पक के तैयार हो जाएगा दूध, और दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। तो दूध हमारा पक चुका है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। तो अब इसमें डाल दूंगी वो जो भून के अभी मखाना रखे थे, तो उसे इसके ऊपर डाल दे रही हूँ, जिससे कि दूध देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और जब आप इसे पिए तो थोड़ा सा बाइट आए तो अच्छा लगेगा, बच्चे को भी पसंद आएंगे इस तरह से। तो अब इसे निकाल ले रही हूँ कप में, और जैसे जैसे दूध ठंडा होगा ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी भी पसंद आई होगी, बहुत ही सिंपल साधारण लेकिन है बहुत फायदेमंद। तो आप इसे ज़रूर बनाएंगे। और दूध को मीठा करना चाहते हैं और चीनी खाना नहीं चाहते हैं आप, तो इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़ का पाउडर। तो गुड़ का पाउडर है आपके पास तो आप डाले नहीं है, तो गुड़ को ग्रेट करके ग्रेटर पर और इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं। और यदि आप गुड़ चीनी मिश्री कुछ भी डालना नहीं चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी इंजॉय कीजिए, काफ़ी मीठा लगेगा क्योंकि दूध है पका हुआ, इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स गए हुए हैं। तो यहाँ पर बनके तैयार है हमारा दूध। और जब भी आप इसमें गुड़ डालें फ्रेंड्स, तो पकते वक्त गुड़ मत डालिएगा, इसी तरह से ग्लास में कप में डालने के बाद ही आप गुड़ डालिएगा, नहीं तो दूध आपका फट जाएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।